आज हमारी धरती पर बहुत बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे ही पॉल्यूशन के बारे में और हम उनको कैसे कम कर सकते हैं। कुछ पॉल्यूशन हमें दिखते हैं और कुछ नहीं, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे यह पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हम पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम जरूर कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने 3R का यूज़ किया। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो चलिए थोड़ा जानते हैं 3R के बारे में। पहला, रिड्यूस। इसका मतलब है जो चीज़ें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं उनका यूज़ कम करना और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही इनका इस्तेमाल करना। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल आज बहुत हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा, रीयूज़, यानी वस्तु को दोबारा इस्तेमाल करना। जैसे अगर हम प्लास्टिक की पॉलीथीन का यूज़ करते हैं तो जब तक वह पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए, बार बार उसी पॉलीथीन का यूज़ करें। तीसरा, रिसाइकिल। आज के समय में प्लास्टिक और कागज़ को दोबारा रिप्रोड्यूस करा जाता है, इसी को रिसाइकिल कहा जाता है। तो कुछ इस तरह हम 3R का यूज़ करके अपने पर्यावरण को सेव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जिसे पूरी तरह से ख़त्म होने में 450 साल लगते हैं। तो कुछ इस तरह के और टॉपिक की जानकारी के लिए हमारी गुरुशाला वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए।